गाइस तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी रिकॉर्डेड क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। तो फटाफट से कल के तो मैंने देखे 10 मिनट के अंदर ही 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज भी हम दोबारा से क्वेश्चन करवाएंगे तो लगातार चलेगा। तो क्वेश्चन है आपका, राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति की साख या परिवार में सदस्यों की संख्या या सभी, इसमें से क्या होगा आपको बताना है। राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति का आय पर इसे जो है बीमारू राज्य है वो घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको आंसर आता है तो आप पॉज करके आंसर दीजिए और उसके बाद है वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद देख लीजिए आंसर सही है या गलत है। चलो बताइए, निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध है। फटाफट से आंसर देंगे। निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा है। सबसे बड़ा बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो भराव क्षमता के आधार पर कौन सा है, आंसर बताना है आपको। फटाफट से आंसर दीजिएगा। भराव क्षमता के आधार पर है जो कौन सा बांध है, मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, जाखम बांध। अब वीडियो को पॉज करें और आंसर दीजिए तब मैं आंसर बता देता हूँ। तो कौन सा जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। अगला है, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है इसका मुख्य उद्देश्य है। बताइए भाई, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पशुओं की संख्या को बढ़ाना, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, मुख्य रूप से योजन गायों की नस्ल में सुधार से राज्य में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आता है तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। गोपाल जो योजना है जो सामुदायिक स्वावलंबन की भावना इसका मुख्य उद्देश्य, आंसर देखते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराह मिहिर के अनुसार, किसके अनुसार, बराह मिहिर के अनुसार जब राजस्थान में खेर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष को क्या होता है। दुर्भिक्ष, वृक्षों की वृद्धि, अतिवृष्टि या उपर्युक्त सभी। वीडियो को पॉज करें और आंसर दें अपना, जो भी आंसर आप देना चाहते हो आंसर देखते हैं फिर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वृक्षों की वृद्धि है। कौन सा भाई, वृक्षों की वृद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया। निम्न में से जो सरिस्का अभयारण्य है उसको राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया, 1994, 1992, 1995, 1990। फटाफट से आंसर दीजिए। निम्न में से जो सरिस्का अभयारण्य है को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करें और आंसर दे भाई, अगर आप ऐसा आंसर नहीं आ रहा तो ना, क्योंकि मैं देखिए ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो 10 मिनट के अंदर कवर कर सको और लाइव में हमको रुकना पड़ता है और ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम रिकॉर्डेड लेकर आए हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप दे सको। तो आंसर देखते हैं इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 को है जो सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर प्रदान किया गया। अगला है, निम्न से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास स्थान में कहाँ पाई जाती है। कौन से भाई, माचिया साइप्रस, मरुद्धान में, महेश रोड़गढ़ अभ्यारण्य में, नारगढ़ में या ताल छापर में। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करें, रोके वीडियो को और उसके बाद आंसर दीजिए। इनमें से माचिया साइप्रस नामक जो मुलायम घास है वो राजस्थान में कहाँ मिलती है, वो मिलती है आपको ताल छापर, जो कहाँ पर है, चूरू में है, जो कहाँ पर है, चूरू में, ताल छापर चूरू में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। राजस्थान के राज पक्षी का नाम है, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। राजस्थान के राज पक्षी का नाम बाज होगा, घोड़ापन होगा, हंस होगा या मोर होगा। फटाफट से बताएंगे, राजस्थान के राज्य पक्षी का जो नाम है वो क्या है, राज्य पक्षी का नाम क्या है। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। आंसर देखते हैं फिर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ावन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ये तो सबको पता होगा भाई, महारानी कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या जोधपुर। फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो, वीडियो को पॉज करें और आंसर दीजिए। तो महारानी कॉलेज वो कहाँ स्थित है, हो जाएगी आपके जयपुर में, कहाँ है वो, जयपुर में है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम है कोटा, किशनगढ़, राजनगर, उदयपुर। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर जो शहर का नाम है वो है कौन सा, कोटा, किशनगढ़, राजनगर, उदयपुर। फटाफट से आंसर दीजिए। इसका क्विज है आपका, जो भी क्विज है वो फटाफट लेके आए हैं, फास्ट क्विज है वो, 10 मिनट का क्विज है आपका फास्ट, तो वो लेके आए हैं। उसमें आपके 10, 15, 20 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो कराएंगे। ठीक है, तो
मार्बल नगरी के नाम से हो जाएगा आपका किशनगढ़, जो किशनगढ़ है वो आपका मार्बल नगरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में है? फटाफट से बताएंगे, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, नागौर में, सीकर में? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, नागौर, सीकर? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो भी है वो आंसर कमेंट में कीजिए। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर ए अजमेर, वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? करौली में, कांकरौली में, कोटपुतली में, केवला केलवादी में? केलवा में, बताइए फटाफट इसका आंसर। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? आंसर बता सकते हो, अगर आप टाइमर लगाना चाहो 1, 2, 3 जो भी टाइमर है वो टाइमर लगाए, वो टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित होगा? आंसर देना है कांकरौली, कांकरौली, कोटपुतली, केलवा, करौली। तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कांकरौली। कहाँ हो जाएगा भाई? कांकरौली में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन फट देर से हो गए और उसमें 10 क्वेश्चन में आपको 20 मिनट लग जाते हैं, इसलिए टाइम की बचत कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं भाई? टाइम की बचत कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिए। निम्न में से राजस्थान राज्य में जो राज्य में कहाँ कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? फटाफट से बताएंगे, निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? कोटा, रावतभाटा, तिलवाड़ा और जैसलमेर? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रावतभाटा। कौन सा हो जाएगा? रावतभाटा। कौन सा भाई? रावतभाटा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से दीन बंधु मॉडल का संबंध है? निम्न में से जो दीन बंधु मॉडल है उसका संबंध है पवन ऊर्जा से, बायोगैस ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से? निम्न में से कोई नहीं। फटाफट से आंसर देंगे। निम्न में से जो दीन बंधु मॉडल है उसका संबंध है पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा? इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं फिर इसका, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बायोगैस ऊर्जा से। क्या हो जाएगा भाई? बायोगैस ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे बड़ी अधिक संख्या वाला जिला है? राजस्थान जो राज्य है उसमें ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली? फटाफट से बताएंगे, राजस्थान में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक जो संख्या है वो वाला जिला है कौन सा? आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा बी, जयपुर में। जयपुर में, ठीक है। ऊर्जाकृत जो क्या है कुओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? जयपुर में है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इनमें से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का जो है इस कार्यालय वो कहाँ स्थित है? निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बिल्कुल डी आंसर, बीकानेर, बीकानेर। और आज का लास्ट क्वेश्चन और ये हो जाएगा। निम्न में से नेवली लिंगनेट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है? सूरतगढ़ तापी है, धौलपुर, नेवता, भरत सिंह नाम परियोजना, राम सिंह गेड? देखते हैं आंसर, देखते हैं इसका हो जाएगा, सी हो जाएगा, भरत सिंह ताप परियोजना। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ लाइक शेयर करें, रोज ऐसे क्विज लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।